नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल शुरू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे फ़ोन की जो लॉन्च हो चुका है और वो मार्केट में आपको 8 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, ये है एम आई का 10i जो कि अब ये मेड इन इंडिया फोन है और कस्टमाइज भी ये इंडिया में हो चुका है और ये बड़ा ही खास फोन है। तो चलिए चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात डिस्प्ले की, डिस्प्ले टाइप में इसमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। वहीं डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो में 20:9 दिया गया है। अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो डिस्प्ले साइज 6.6 इंचेस का है। वहीं पर अगर डिस्प्ले रेजुलेशन देखा जाए तो डिस्प्ले रेजुलेशन 1080x2400 है। अब डिस्प्ले पीपीआई डेंसिटी 395 PPI है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं दोस्तों। अब आपको इस फोटो से लग रहा होगा अब हम कौन से सेगमेंट में जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कैमरा की। कैमरा इसमें 4 कैमरा रियर कैमरे में दिया गया है। सबसे पहला 108 मेगापिक्सल का जो वाइड के लिए यूज होगा, दूसरा 8 मेगापिक्सल के लिए जो अल्ट्रा वाइड के लिए यूज होगा, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल जो माइक्रो फोटो के लिए खींचने के लिए होगा, चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ के लिए यूज होगा। वहीं आप इसमें 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और भी ऑप्शन डुअल एलईडी, डुअल टोन ऑन फ्लैश, एचडीआर पनोरमा से भी ये युक्त है। अब कैमरा की सेगमेंट में चलते हैं हम नेक्स्ट कैमरा के, उसमें जो कि अब आपको पिक्चर से भी दिख रहा होगा कि अब हम सेल्फी कैमरा की बात करने वाले हैं। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वाइड होगा। वहीं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1080x30 FPS कर सकते हैं। वहीं इसमें सेल्फी से आप पनोरमा फोटो भी खींच सकते हैं। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन में लेंथ में 6.6 इंचेस का है। डायमेंशन में लेंथ में 6.6 इंचेस का दिया गया। वहीं थिकनेस 9 mm का दिया गया है। वेट 216 ग्राम का दिया गया है। वहीं विड्थ देखी जाए तो विड्थ 76.8 mm की दे रखी है। अब बात करते हैं, चलते हैं हार्डवेयर वाले सेक्शन में। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू 2x2.2 GHz ऑक्टा कोर दिया गया है। अब नेक्स्ट में देखते हैं जीपीयू। जीपीयू एंड्रीनो 619 का है। चिपसेट में क्वालकम SM7225 स्नैपड्रैगन 750G जो कि 5G को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। इंटरनल स्टोरेज इसमें 2 वेरिएंट में आ रखा है। एक है, सबसे पहला है जो कि 64GB और दूसरा है 128GB। रैम इसमें 6GB और 8GB दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है जो MIUI 12 से भी इंस्टॉल्ड हो रखा है। अब बात है बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप इसमें 482820mAh की बैटरी दी गई है जो कि 30 वॉट फास्ट चार्जिंग दिया गया है और आप इसको 58 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। मेन फीचर में इसमें वो सारे जो फीचर्स होते हैं वो सारे हैं। ब्लूटूथ है, वाईफाई है, NFC है, आपका सी टाइप USB है, फिंगरप्रिंट, GPS, 5G है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं हम प्राइस की। प्राइस इसमें जो 3 वेरिएंट में बनाए गए हैं फ़ोन, 6GB और 64GB को प्राइस है 20,999 रुपीज़ और सेकंड 6GB और 120GB को दिया गया है 21,999 रुपीज़ और जो थर्ड है 8GB 128GB 23,999 रुपीज़।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके लिखिए बताइए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।